हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करता हूँ वही। पिछला वीडियो में हमने 17, 18, 19, इसका मतलब पिछला वीडियो में 16 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट अब 17, 18, 19, ये लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का, ये कंप्लीट कर दूं। इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात करेंगे, पहले ये तो कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में मैंने ये लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसी को पहले करता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द इंटरवल इन व्हिच वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है ये बात करना है। सॉल्यूशन करते हैं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है जो भी है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, तो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डीवाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल में एक्स स्क्वायर रख दिए, ई का पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस वन प्लस ई का पावर माइनस एक्स रखिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अल्टीमेट यहाँ कॉमन क्या जाता है, देखिए ये रहा एक एक्स, तो कॉमन जाता है ई एक एक्स या ई का पावर माइनस एक्स देन एक्स और कुछ भी, ई का पावर माइनस एक्स ले लिए और एक्स एक ले लिए, बचा माइनस एक्स प्लस ये बाहर कर दिए, एक्स बाहर कर दिए, बचा टू, dy by dx कर लिए। अब हमें डिसाइड करना है कि dy by dx ये पूरा वैल्यू किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। ये जानने के लिए एक बात ध्यान देना, e का पावर माइनस एक्स ये इज पॉजिटिव नंबर ऑलवेज, क्योंकि e का पावर अगर आप माइनस फोर भी दोगे तो 1 बाई ई का पावर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पावर में नेगेटिव रहने से उससे कोई टेंशन नहीं, वो पॉजिटिव बन जाता है नीचे जाके, नेगेटिव वैल्यू दे तो अलग बात। तो जो भी हो, यहाँ हमने डिफ्रेंशिएट किया e का पावर माइनस एक्स, इसको लेके टेंशन नहीं है, ये इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेगा ये दोनों फैक्टर, दो पॉइंट। इसको पहले भी मैंने बात किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करने के लिए आप ये नंबर सब प्लॉट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे आइदर x इक्वल टू जीरो और इतना इक्वल टू जीरो, जो निकलता है x इक्वल टू जीरो तो जीरो इज ए पॉइंट, अच्छा इंटरवल। और इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कब जीरो होगा, जब एक्स का वैल्यू टू देंगे। डीवाई बाई डी एक्स इस तरह से आया है, ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसको चेक करने का तरीका हुआ, ये फर्स्ट फैक्टर कब जीरो होता है नंबर लाइन में प्लॉट करो, सेकेंड फैक्टर कब जीरो होता है नंबर लाइन में प्लॉट करो, टू देने से टू माइनस टू जीरो हो जाता। तो बात हुआ जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो देने से हो तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो, एक्स का वैल्यू टू देने से भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो, अच्छा जीरो देने से ना जीरो, जीरो से कम देखिए जीरो से ज़्यादा देखिए, उसी तरह टू से कम देखिए टू से ज़्यादा देखिए, ऐसा लिख लिए। ये पूरा वैल्यू कब पॉजिटिव होगा ये जानने के लिए आप ये बाउंड्री से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। सपोज हमने टू के बाद फोर लिया, तो यहाँ फोर माइनस फोर प्लस टू, ये फोर फोर माइनस फोर प्लस टू, ये नेगेटिव आ जाता है। एक इंटरवल अगर नेगेटिव आया 100% ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फाइनली बात हो गया। देयरफॉर वाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ये जीरो से टू में पॉजिटिव हो गया, ठीक। ये नंबर लाइन वाला सिस्टम आर डी शर्मा में देखिएगा, थोड़ा लंबा किया हुआ, अच्छा बात है सिखाने के लिए, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में निकाल सकता हूँ यह नंबर लाइन बना के, मैं नहीं आप भी निकाल सकते हो, इसलिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर कर दिए, यह तो हो गया 19 के बाद यह चैप्टर कंप्लीट है आज। 19 के बाद 18 करेंगे, क्या दिया है कि प्रूव दैट द फंक्शन इतना इज इंक्रीजेज इन आर, अच्छा इंक्रीजेज हमेशा इंक्रीज करेगा। चलो भाई देखते हैं कैसे, पहले एफ डेस एक्स तो निकाल लूँ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, एफ डेस एक्स निकाल लें और इसके बाद हम लोग फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कर रहा हूँ, पहले थ्री तो कॉमन दे दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन दैट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, होल स्क्वायर है, एफ डेस एक्स इज पॉजिटिव हो तो गया, हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है ना, हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, सब रियल नंबर के लिए
ये विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर इंक्रीजिंग फॉर एनी रियल नंबर। ओके, प्रूफ करने दिया था ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करके आप स्क्वायर में ला दो जिससे कि ये फिक्स हो जाए, जहाँ कुछ भी नंबर देने से पॉजिटिव हो जाता है। अल्टीमेट ये प्रूफ हुआ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। रहा बात अब इसका 17 नंबर का, प्रूव दैट द फंक्शन गिवेन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स एक ही टाइप का तभी प्रूफ किए, फिर भी करता रहता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू वन बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई ये टेन एक्स। अब जीरो टू पाई बाई टू फर्स्ट इंटरवल में ये लेस देन जीरो है, इन जीरो टू पाई बाई टू में, इनफैक्ट जीरो टू पाई बाई टू मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, ये टेन पॉजिटिव होता है, बगल में जो माइनस है उसके लिए नेगेटिव हो गया, ठीक, देयरफॉर लिखेंगे नेगेटिव आया, देयरफॉर लिखेंगे, अच्छा अभी नहीं, एंड ऐसा लिख देता हूँ, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू फिर से माइनस टेन एक्स, ये विल बी पाई बाई टू से बड़ा, पाई बाई टू से बड़ा पाई तक, इस इंटरवल में ऑल साइन टेन, यहाँ पॉजिटिव पाई बाई टू से, सॉरी पाई, पाई बाई टू से पाई इतना दूर, ये सेकेंड क्वार्टर में ऑल साइन पॉजिटिव होता है, टेन नहीं, अल्टीमेट ये इस क्वार्टर में, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, टेन खुद नेगेटिव है और ये एक नेगेटिव, अल्टीमेट ये क्वान्टिटी इज ग्रेटर देन जीरो, कब, इन पाई बाई टू से पाई तक में। बात क्लियर हुआ है, माइनस है बचा 10x का वैल्यू, 10x का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन, साइन पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा, 10x नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, सब दोनों मिलके पॉजिटिव, तो ही तो गया एफ डैश एक्स, हमने एक बार लिखा नेगेटिव आता है लेस देन जीरो आता है इस इंटरवल में, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है इस इंटरवल में, तो सिंपली हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाई टू एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू से पाई तक में, ये हेंस प्रूव्ड। तो ये कंप्लीट हमने कर चुके, इसको यही बंद करता हूँ, अगला वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा, आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना।